फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये मफलर का डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 9 नंबर की सिलाई चाहिए और 3 कलर की ऊन चाहिए। यहाँ मैंने 35 फंदे डाले हैं। मैं आपको 35 फंदों में ये डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स, हमें सेकेंड कलर लगाना है। सेकेंड कलर लगा के फंदे आप किसी भी कलर से डालें, उसके बाद सेकंड कलर लगाना है और सारी सिलाई उल्टी बुन देनी है। इसमें कोई डिजाइन नहीं पड़ेगा, सारी सिलाइयां हमें उल्टी ही बनानी है। बहुत ही आसान है, जिसे उल्टा सीधा बुनना आता है वो भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। तीन कलर की ऊन से बनता है। एक सिलाई हमें एक कलर से बनानी है, दूसरी हमें दूसरे कलर से और तीसरी सिलाई तीसरे कलर से। तो इन्हीं तीन सिलाइयों को फिर रिपीट करते जाना है कलर चेंज करते हुए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ये कलर लगाया, सेकंड कलर लगाया और एक सिलाई पूरी उल्टी बुन दी। अब दूसरी सिलाई जिस साइड भी हम जाएंगे हमें वहाँ दूसरा कलर मिलता रहेगा। इधर अब हम ब्लैक कलर लगाएंगे, इस कलर को हम यहीं छोड़ देंगे और यहाँ तीसरा कलर लगा लेंगे और इसको भी हम पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो सारी सिलाइयां उल्टी उल्टी बुनते जाने हैं। केवल कलर का हमें ध्यान देना है कि जिस कलर से हम सिलाई को बुन रहे हैं उसको छोड़ देना है और जो कलर हमें लास्ट में मिलेगा उससे हमें अगली सिलाई बनानी है। तो देखिए, ये थर्ड कलर से मैंने ये सिलाई यहाँ कंप्लीट कर ली। अब हमें यहाँ जिस कलर से हमने फंदे डाले हैं वो कलर यहाँ मिल गया है। तो ये हमारा फर्स्ट कलर है। फिर फर्स्ट कलर से सारी सिलाई उल्टी बुननी है। केवल हमें कलर चेंज करते जाना है और उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप इसे बच्चों के स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है ये डिजाइन और काफी आसान भी है। हर कलर से एक एक ही सिलाई बनानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्स्ट कलर खत्म हो गया है। अब यहाँ हमें फिर से सेकंड कलर मिल गया है और सेकंड कलर से फिर हम पूरी सिलाई उल्टी बुन देंगे। फर्स्ट कलर से हम सिलाई बनाएंगे तो हमें फिर वहाँ सेकंड कलर मिल जाता है। सेकंड कलर से फिर हम दूसरी सिलाई बनाएंगे तो हमें थर्ड कलर मिल जाता है। फिर थर्ड कलर को कंप्लीट करते हुए फिर हमें फर्स्ट कलर मिल जाता है। तो इन्हीं फर्स्ट सेकंड थर्ड कलर को हमें रिपीट करते जाना है।
अब देखिए सेकंड कलर यहाँ खत्म हो गया है, तो यहाँ हमारे पास ये थर्ड कलर मिल गया हमें। अब ये सिलाई हम थर्ड कलर से बुनकर कंप्लीट करेंगे। सारी सिलाइयाँ हमें उल्टी ही बनानी है। अगर आप सीधा सीधा बुन रहे हैं तो सारी सिलाइयाँ सीधी ही बुननी है। आपको अगर सीधा बुनना इजी लगता है तो आप सीधे बुनकर भी बना सकते हैं। तो हर सिलाई को सीधा सीधा ही कलर चेंज करते हुए बनाते जाना है। ये सिलाई थर्ड कलर से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट हुई है। तो फिर हमें यहाँ देखिए, यहाँ हमें फिर फर्स्ट कलर मिल जाता है। फिर फर्स्ट कलर से हमें ये सिलाई पूरी उल्टी बुननी है। आप इस डिजाइन में स्वेटर वगैरह, शॉल, मफलर, स्टॉल कुछ भी बनाएंगे बहुत सुंदर लगेगा। ये रिवर्सल डिजाइन है। फंदे आप अपने हिसाब से डाल देना, इसमें फंदों का कोई वो नहीं है कि फंदे कितने डालने हैं। अब देखिए फर्स्ट कलर यहाँ खत्म हो गया, तो हमें यहाँ फिर सेकंड कलर मिल गया। और सेकंड कलर से फिर पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह हमें ये कलर चेंज करते हुए एक एक सिलाइयाँ बनाते जाना है। ये सिलाई सेकंड कलर से बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ फिर थर्ड कलर मिल जाता है। फिर थर्ड कलर से ये सिलाई उल्टी बुननी है ना आसान। कोई भी डिजाइन नहीं पड़ता है, बस सिंपल हमें उल्टा उल्टा बुनना है या सीधा सीधा बुनना है। दोनों साइड से डिजाइन एक जैसे दिखता है। अब देखिए तीसरा कलर यहाँ का हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तीसरी सिलाई से बुन के कलर से बुन के फिर हमें यहाँ फर्स्ट कलर मिल जाता है। तो इसी तरह हमें एक सिलाई फर्स्ट कलर से बनानी है। फर्स्ट कलर से बना के हमारे यहाँ फिर हमें सेकंड कलर मिल जाता है। तो सेकंड कलर से फिर हम यहाँ तक एक सिलाई बुनेंगे, तो हमें फिर यहाँ थर्ड कलर मिल जाता है। तो इसी तरह ये हमें बुनते जाना है। तो देखिए फ्रेंड, दोनों साइड से हमारा डिजाइन एक जैसे दिखता है।
तो आप भी ये डिजाइन बनाएं, मफलर में डालें, स्वेटर में डालें, किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।